बात करते हैं रीवा की, जहां के संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी ने सभी कलेक्टरों को शिशुओं के पोषण स्तर में सुधार के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने कहा है कि महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की सूची तैयार की गई है। इन सभी बच्चों को मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम के तहत उपचार एवं अतिरिक्त पोषण आहार की सुविधा देकर इनके पोषण स्तर में सुधार कराएं। शिशुओं के जीवन काल के प्रथम 1000 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस अवधि में शिशुओं के सबसे तेजी से शारीरिक विकास होता है। इस अवधि में यदि पोषण का स्तर ठीक नहीं हुआ तथा बच्चों के खान पान की उचित देखभाल नहीं की गई तो उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर बुरा असर पड़ता है। कमिश्नर ने कहा है कि बच्चों के पोषण स्तर में सुधार और कुपोषण का कलंक मिटाने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित एडॉप्ट एंड आंगनवाड़ी कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में कई तरह का सहयोग प्राप्त हो रहा है। इस योजना का लाभ लेकर मध्यम कुपोषित तथा अति कुपोषित बच्चों के पोषण के प्रबंध का विशेष प्रयास करें। पूरे संभाग में लगभग 15,000 बच्चों का पोषण का स्तर कम है। इन बच्चों को अतिरिक्त भोजन तथा पोषण किट के रूप में मोटे अनाज, दाल, गुड़, चना, मूंगफली, तिल आदि दिया जा सकता है। बच्चों की स्वच्छता पर भी ध्यान देना आवश्यक है। कमिश्नर ने कहा कि जिन शिशुओं का पोषण स्तर कम है उनकी माताओं को महिला एवं बाल विकास विभाग तथा पर्यवेक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पोषण प्रबंधन की काउंसलिंग करें। कम पोषित बच्चों का नियमित रूप से वजन लेकर उनके स्वास्थ्य में सुधार की नियमित निगरानी करें। बच्चों के पोषण स्तर में वृद्धि के लिए जन सहयोग भी लिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज़।